नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंड्स। ये जो जमीन रेत है उसके जमीन के कौन कौन से टाइप के प्रकार है, उसको कैसे उसका सेल होता है, कैसे उसके टोटल एरिया काउंट होता है, ये सब डिटेल हम बात करेंगे। तो जमीन के जो भी प्रकार हैं उसमें मेनली तीन टाइप के प्रकार रहते हैं। पहला है सर्वे नंबर, दूसरा है गट नंबर और तीसरा है सिटी सर्वे नंबर। तो ये नंबर के हिसाब से आप लोग जमीन के प्रकार देख सकते हैं। उसके बाद जो महसूल रहता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो देते हैं महसूल, उसके हिसाब से है। पहला है एग्रीकल्चरल, हम लोग बोलते हैं या कृषि के लिए बोलते हैं। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल या फिर एन ए बोल सकते हैं उसको। और तीसरा है नॉन एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट, विकास के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए लैंड यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, जैसे मराठी में भोगोटा बोलते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो तीन क्लास रहते हैं उसमें, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन। अब वर्ग एक इसमें ऐसा रहता है खालसा या फिर ऑक्यूपेंसी ओनरशिप या फिर ओल्ड कंडीशन के हिसाब से। फिर दूसरा रहता है भोगोटा का वर्ग दो वतन, इसमें वतन की जमीन रहती है या फिर नई शर्त रहती है। और तीसरा है जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी रहती है, मतलब वो जो लैंड या प्लॉट रहेगा उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप रहेगा। तो उसके हिसाब से ये तीन ऑक्यूपेंसी के हिसाब से टाइप्स होते हैं। अभी इसके बाद हम देखेंगे जोन वाइज, मतलब जो भी लैंड्स के टाइप्स है वो जोन वाइज देखेंगे। अभी सबसे पहला है रेसिडेंशियल जोन, इसके बाद है इंडस्ट्रियल जोन, फिर कमर्शियल जोन। कमर्शियल जोन में जैसे 40 फीट का रास्ता वगैरह देना रहता है। उसके बाद रिजर्व लैंड रहता है। इसके बाद एग्रीकल्चरल, जैसे कृषि जमीन बोलते हैं। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट लैंड बोलते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट का गवर्नमेंट का लैंड रहता है। और उसके बाद में लास्ट में डिफेंस लैंड। इस टाइप्स के ये 8 टाइप के लैंड रहते हैं। और इसके बाद अभी जहाँ लोग पानी का मात्रा उधर कितना है, खेती कौन सी होती है, उसके हिसाब से हम देखें जाए तो सबसे पहला है वो बागायती टाइप। उसके बाद है हंगामी बागायत, जिस मतलब सीजनल रहता है। और तीसरा है जिरायत या पड़ी, जहाँ मतलब फसल कोई आता नहीं है, उपजाऊ नहीं है। तो ये टाइप्स लैंड के अलग अलग टाइप्स हो गए, मतलब इसके हिसाब से लैंड का बाइफर्केशन होता है। उसके हिसाब से आपको लैंड देखना है या परचेस करना है, सेल करना है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब ये लैंड मेजर कैसे करते हैं, हम मेजर कैसे करते हैं, उसके कुछ यूनिट्स हैं। जैसे अभी हमने 7-12 में देखा होगा कि एकर, हेक्टर, गुंठा, ऐसे अलग अलग यूनिट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अभी सबसे पहला है एकर, उसके बाद हेक्टर, फिर गुंठे, फिर मीटर, फिर चौरस मीटर, उसके बाद फीट है, फिर चौरस फीट है, बाद में सेंटीमीटर और फिर इंच। ऐसे अलग अलग यूनिट्स है, इसके हिसाब से लैंड का मेजरमेंट लेते हैं। अभी ओल्ड सिस्टम में कैसा था, जैसे 1 आर मतलब गुंठा, तो एक गुंठा में 100 स्क्वायर मीटर रहता था, 1089 स्क्वायर फीट रहता था। मतलब 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट, इसमें 33x33 का साइज हम लोग जैसे बोलते थे, जैसे 33x33 फीट का वो प्लॉट रहता था। उसके बाद एक हेक्टर इज इक्वल टू ढाई एकड़, मतलब 2.5 एकड़ इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, इज इक्वल टू 1,89,900 स्क्वायर फीट। अभी हम मेट्रिक सिस्टम में देखेंगे। अब जैसे मेट्रिक सिस्टम में 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट इज इक्वल टू 39.36 इंच और 100 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। इसके बाद 1 आर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1076.39 स्क्वायर फीट। अभी 1 एकड़ इज इक्वल टू 40 आर, मतलब 1 एकड़ में 40 गुंठा रहता है, आर मतलब गुंठा, इसका मतलब 1 एकड़ इज इक्वल टू 40 आर इज इक्वल टू 4,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 43,500.6 स्क्वायर फीट। और उसके बाद अभी 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ इज इक्वल टू 100 आर, मतलब 100 गुंठा इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1,07,639 स्क्वायर फीट। इस हिसाब से मेट्रिक सिस्टम में भी होते हैं। अभी प्राइवेट प्लॉटिंग में कैसे लिखते हैं, 1 आर
मतलब वन गुण का इज इक्वल टू जनरली 1000 square feet ऐसे ही पकड़ते हैं, 1 R = 1000 square feet। तो इस हिसाब से लैंड का मेजरमेंट होता है। आपको ये यूनिट ये मेजरमेंट अपने 7-12 के पेपर में भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से टोटल लैंड कौन सा है, इसका मेजरमेंट कैसे करता है, कैसे करते हैं, अभी हमने देख लिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग चैनल के टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।